चलेगी थी? मैं कब से इंतजार कर रही थी, मुझे लगा उस चिलगोजे ने तुम्हें फिर से पकड़ लिया। नहीं, ये खिड़कियां क्यों बंद है? एक मामूली लड़की यहाँ कभी फिट नहीं हो सकती। मैं कुछ और पैसे फेंक दूं तुम्हारे मुंह पे तो तुम उस चश्मिश की बजाय मेरे साथ भी रूम शेयर करने को तैयार हो जाओगी। इंक्वायरी बैठेगी, तुम्हारे पेरेंट्स तक बात जाएगी, और जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी टॉपर बेटी रात को अकेले लड़कों के साथ मिलती है, कितना बुरा लगेगा उन बेचारों को। बंद कमरे में हमें घुटन होती है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मीनू, हम ठीक हैं। तुम सोचो। इन आंसुओं की तो ऐसी कम तैसी, हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। कल सर के गाल पे थप्पड़ पड़ी है, पता नहीं आज हम लोग का क्या होगा। कल तो तुम बच गए, लेकिन आज के बाद अगर हमारे रवि की तरफ आंख उठा के भी देखा ना, तो हम तुम्हारा मुंह नोच देंगे। हमें नहीं पता था कि तुम सर की बॉडीगार्ड हो, उन्हें अक्सर थप्पड़ पड़ते रहते हैं क्या? जो बॉडीगार्ड रख रखी है। Shut up you! Good morning class. I'm your new political science teacher. Miss Poonam Gupta. So, आज हमारे देश को आजाद हुए 15 साल हो चुके। I want you all to debate कि ये आजादी, ये democracy, क्या हमारे लिए एक cure है, एक वरदान है या एक श्राप? So, सबसे पहले इसके बारे में कौन बोलेगा? What's your name? Gayatri Singh. Topper. Sir, Topper से पूछते कि उनका इसके बारे में क्या ख्याल? बोलिए। मैम, आजादी हमारा birthright है, हमारा अधिकार है, लेकिन अफसोस, देश तो आजाद हो गया, लेकिन लोगों का आजाद होना अभी भी बाकी है। कुछ लोग अपने विरासत के गुलाम हैं। कुछ लोग अपनी नफरत के, और कुछ दोनों के, और हम जैसे लोग अपनी मजबूरी के। लेकिन इसलिए देश में डेमोक्रेसी है ताकि हमें हमारी बराबरी मिले, हमारी आजादी मिले। सो आई थिंक इट्स डेफिनेटली अ बून। जो लोग बराबरी की बात करते हैं उन्हें सिर्फ राइट्स में ही नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी बराबर का हिस्सा मांगना चाहिए। राजवीर आज क्लास में। प्रॉब्लम ये है कि लोग ऊपर तो उठना चाहते हैं, लेकिन दूसरों के कंधों पर चढ़कर। पैसे वालों की चैरिटी पर पलने वाले लोग या तो चैरिटी लेते हुए दिखते हैं, या फिर उसके बाद भाषण देते हुए दिखते हैं।
इनसे ही पूछिए कि गरीब को गरीब बनाया किसने, इन अमीर लोगों के एक्सप्लॉयटेशन और लालच ने। ये चैरिटी नहीं करते, जुर्माना भरते हैं, गरीबों को लूट के खुद अमीर बनते हैं और अपनी गिल्ट कम करते हैं। गिल्ट तो उन लोगों को होना चाहिए जो पैसे वालों के पैसे की बैसाखी बनाकर चलते हैं। आजादी का भाषण देते हुए लोग असल में सिर्फ हमारी मदद के मोहताज हैं, गुलाम हैं। Well said. गरीब तो अपनी मेहनत से अपना पेट भर लेते हैं, गुलाम और मोहताज तो वो अमीर बच्चे हैं जो अपने बाप दादाओं के पैसों पे ऐश करते हैं, जो अपनी मेहनत से एक पैसा भी नहीं कमा सकते। Hey, just watch it, okay? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मुझसे ऐसे बात करने की? क्यों सच चुप गया? गुस्सा आ रहा है, बहुत तेज गुस्सा आ रहा होगा ना हम पे। थैंक यू, इट वॉज अ गुड डिबेट। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें। अगर तुम्हें हम अमीरों से इतनी ही चिढ़ है तो हमारे कॉलेज में एडमिशन क्यों लिया? किसी सड़क छाप कॉलेज में जाके एडमिशन क्यों नहीं लिया? हा? हम यहाँ किसी का एहसान लेकर नहीं, स्कॉलरशिप लेकर आए। और हमें बस इतना समय नहीं कि तुमसे बात करने में बर्बाद कर दे। की लड़की ने हमारी इतनी इंसल्ट कर दी और तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा, ऐसे ही छोड़ दिया। किसने कहा मैंने उसे छोड़ दिया? अभी तो पकड़ा भी नहीं है। वाह डियर, कल तमाचा आज तमाशा। सच बताऊं सर को इतनी टक्कर आज तक किसी ने नहीं दी होगी। सीरियसली, सच में आज पहली बार लगा इस कॉलेज में कोई है जो हमारे लिए भी लड़ सकता है। हम किसी के लिए लड़ नहीं रहे थे, बस उस डिबेट में अपनी बात रख रहे थे, जो हमें लगता है सही है गलत है बस वही। हाय, तुम डिबेट में ये कर सकती हो तो सोचो लड़ाई में क्या क्या कर सकती हो। गायत्री सिंह, वाइस प्रिंसिपल सर ने आपको पुराने असेंबली रूम में बुलाया। जरूर कल वाली बात के लिए बुलाया होगा। गलत आ गए होंगे, रास्ते भी तो नहीं पता है यहाँ के। दरवाजा किसने बंद किया? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा। रवि, तुमने सब बंद क्यों किया है? जंगली जानवरों को सीधा करना हो ना तो उन्हें बांधना ही पड़ता है। कोई दरवाजा खोलो, कोई है? सर प्लीज दरवाजा खोल दीजिए ना, उसे बंद कमरे से बहुत डर लगता है। प्लीज डियर सर, दरवाजा। हे यू चश्मेश, हाउ डेयर यू टॉक टू रवि? हाँ la 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 la
Excuse me. Thank you. Jeez. Yeah. भाई तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? मैं इतना खुश क्यों लग रहा हूँ? वैसे लवी एक बात बताऊँ, ये डर भी ना बड़ी अजीब सी चीज है। खुद को लगे तो जान निकल आती है और किसी दूसरे को लगे तो मजा आ जाता है। अब ये मेंढाखोर केकड़े ना उस लड़की को इतना डराएंगे और हम लोगों को बड़ा मजा आएगा। Jeeves, it's not funny. Not for you. Okay. तो मजा आना शुरू हुआ ना, रुक जाओ ना थोड़ी देर। उसे डराना चाहता हूँ, मारना नहीं चाहता। देखो बेचारी कितनी डाउन टू अर्थ है। जब देखो अर्थ पर ही गिरी पड़ी रहती है। आज मैंने तुम्हें इस कॉलेज का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला रूल सिखाया है, डोंट मेस विद मी। याद रखना, तुम इस कॉलेज में अपनी मेहनत की वजह से नहीं, मेरी मेहरबानी की वजह से आई हो। ये मेरा कॉलेज है, मेरा किंगडम, इस जंगल का मैं शेर हूं। और हिरण के बच्चे शेर से डरते हैं तो ही जिंदा रहते हैं। एंड आई होप ये सबक तुम याद नहीं रखोगे, ताकि मुझे तुम्हें ये सबक दोबारा सिखाने का मौका मिले। कौन है? सर, हम गायत्री सिंह, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। गायत्री सिंह द टॉपर? अरे बेटा वहां क्यों खड़ी हो, आओ ना, बैठो बैठो। नहीं सर, आपके पास किसी की शिकायत लेकर आए हैं, आपको जल्द से जल्द उसके खिलाफ एक्शन लेना होगा। कोई किसी की इतनी बेइज्जती कैसे कर सकता है, तो गलत है ना। अब क्या किया राज ने,
देखो बेटा, इस कॉलेज में एक ही स्टूडेंट है जो इस तरह की हरकतें कर सकता है, और वो है राजवीर। मतलब आप जानते हैं उसकी हरकतें? तब भी अभी तक आपने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, क्यों? क्योंकि उसके पिताजी ट्रस्टी हैं इस कॉलेज के। ये तो गलत है ना सर? बेटा, एक्शन तो कोई तब लेना जब कोई उसके खिलाफ आके शिकायत करे और उसके पिता के सामने आके कहे कि उसने किया क्या है। पर आज तक किसी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर तुम उसके खिलाफ शिकायत करो और उसके पिता के सामने आकर बताओ कि उसने क्या क्या किया है, तो मैं उसके पिता को आज बुला सकता हूं और शाम तक राज सस्पेंड हो जाएगा। आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। हम उसके खिलाफ शिकायत करेंगे, क्योंकि अब बात सिर्फ हमारी नहीं, पूरे कॉलेज की है। शाबाश बेटा, अब तुम जाओ, राज के पिता जैसे ही आते हैं मैं तुम्हें बुला लूंगा। थैंक यू। सर, एक मस्त पिक्चर लगी है। अब आप बोलो तो प्लान बनाओ। सर, आपके डैडी उस चिल्को से की रूम की तरफ जा रहे हैं और आपको भी बुलाया है, जल्दी से जाइए। तो तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ बुलाया गया है। तो तुम्हें क्या लगा तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देंगे हम? लड़के मुझे बड़ी मुश्किल से छोड़ती हैं। अगर दूसरा थप्पड़ भी खाना है तो बता दो। यू नो, गरीब लोग किस्मत से होते हैं लेकिन बेवकूफ बाय चॉइस होते हैं। तुम क्यों जानबूझकर बेवकूफ बनने की कोशिश कर रही हो? चींटी जब हाथी के सामने आती है तो बेचारी कुचली जाती है, और जब वही चींटी हाथी के सूंड में घुस जाए ना तो हाथी को गिरा देती है। याद रखना ये बात। आइए आइए महाराज, आइए। अब रतिराम जाओ, उनको लेके आओ। महाराज, बड़ा दुख हो रहा है। वो क्या है ना कि ये कॉलेज तो आप ही के दिए हुए पैसों से चल रहा है। आपको हमारे पैसों से कॉलेज चलाने में बड़ा दुख हो रहा है। नहीं नहीं महाराज, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम बाज आ जाओ, समझी? आपको अंदर बुलाया है। आप नहीं, सर पहले जाएंगे। हॉस्टल में तो रहती हो, औकात में भी रहा करो, कहीं ये शिकायत तुम्हें महंगी ना पड़ जाए। दुख इसलिए हो रहा है कि आपके बेटे के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। पिछले 3 साल से तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं उसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। कौन सी बदतमीजी सर? ओह, वही जो मैंने हिंदी एग्जाम में पोएट्री लिखी थी। मिस जोशी बना रही है छोटे दस्ताने छोटे मोजे, मेरा दिल कह रहा है आने वाले हैं छोटे चिलगोजे। मैं उस बदतमीजी की बात कर रहा हूँ जो कल तुमने उस लड़की के साथ की थी। पिछले 3 साल में पहली बार किसी ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत की है। बुलवाइए उस लड़की को। सर क्या बुलाएंगे, मैं खुद ही बुला देता हूँ।
सतीराम उस लड़की को बुला के लाओ। जी सर। ये लड़की कहाँ चली गई? आ गई सर, आ गई। सर ये लड़की कुछ रतिराम जैसी नहीं लग रही। रतिराम वो लड़की कहाँ है? सर मैंने हर जगह देख लिया, हॉस्टल, मैदान, क्लासरूम, किधर भी नहीं है सर। तुमने लेडीज टॉयलेट चेक किया? कहो तो मैं चेक कर रहा हूँ। रतिराम तुम जाओ। मैं झूठ नहीं कह रहा महाराज, उस लड़की ने खुद कहा था कि वो। फिर से तुम हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। नहीं पिताजी, इसी बहाने आपके दर्शन तो हो गए। आपके आ जाने से ना जिंदगी आसान हो जाती है। क्या है कि आपके सामने मेरी बाकी की परेशानियां बिल्कुल छोटी लगने लगती हैं।